मतदाता कांग्रेस में है, यहाँ के मतदाता चुनाव लड़े हैं जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद रहे हैं, पर अगर उनके काम के बारे में पूछा जाए तो अनाथ पड़ा हुआ है, तो सांसद ने गोद लिया था जो गाँव का, और राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति है, रेल परियोजना की क्या स्थिति है, सब खड़े हुए महसूस कर रहे हैं। एक भी कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं बता सकते कि जिन्होंने इतने वर्षों में सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए कोई बहुत बड़ा काम ऐसा किया हो। आज युवा बेरोजगार सिंगरौली का हो, सीधी का हो, प्राइवेट कंपनियों में भी पैसे दे के नौकरी करने के लिए मजबूर है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा के ही जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। ये चुनाव पूरी ताकत से आदरणीय राहुल भैया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ेंगे, और यहाँ के मतदाता आज महंगाई बेरोजगारी से, देश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से आज संकट का दौर चल रहा है, विपक्ष को दबाने, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि अभी राहुल भैया ने बताया, खाता सील कर दिया गया है, आज कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है, दूसरी विपक्षी पार्टी को भी परेशान कर रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और सीधी संसदीय क्षेत्र के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम समझते हैं कि सबका आशीर्वाद मिलेगा और ये चुनाव हम लोग जीत। आपने कई कमियां गिनाई, लेकिन बीजेपी के लोग यहाँ कह इतिहास गवाह है, तो हम लोग साधन विहीन है, हमारे खाते बंद कर दिए गए हैं इनकम टैक्स विभाग से पार्टी के, उसके बावजूद जनता की लड़ाई रहेगी। और ईवीएम की बात करना छोड़ दें, उसके चुनाव सामने हैं, लेकिन जिस विश्वास के साथ ये लोग 400 पार कहते हैं, उसमें ये शंका होती है कि कहीं मशीन में तो कोई खेल नहीं है। वैसे जनता की तरफ से आप लोग याद करिए, कुछ महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे आम मतदाता हों, पूरे प्रदेश में ये हवा थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास नहीं था कि 100 पार कर पाएंगे, लेकिन 163-164 क्या मिल गए उनको, ये कहीं ना कहीं तो कोई खेल है।